दो दिवसीय गोरखपुर महोत्सव के अंतिम दिन बुधवार को अंतिम कार्यक्रम के रूप में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। भीषण ठंड और कोहरे के बावजूद श्रोता कवियों को सुनने के लिए चंपा देवी पार्क में मौजूद रहे। रात लगभग 9 बजे कवि सम्मेलन का प्रारंभ डॉक्टर विष्णु सक्सेना ने किया। आपको बता दें, अलीगढ़ से आए डॉक्टर सक्सेना ने अपनी रचना से सभी को आकर्षित किया। बनेगी बात नई, सोच बदल के देखो, झोपड़ी में रहो पर ख्वाब महल के देखो, खुलेगी खिड़कियां और आसमान अपना होगा, जरा हिम्मत करो और घर से निकल कर देखो। वहीं IAS डॉक्टर अखिलेश मिश्रा ने पढ़ा, पतिव्रता थी सीता, धर्म निभाना था, लक्ष्मण वन क्यों गए, राम को जाना था। दिल्ली से आए पद्मिनी शर्मा की रचना थी, कभी जब दिल ही दिल में गुफ्तगु करती हूँ मैं तुमसे, तो मेरी धड़कनों में इश्क का औधड़ महकता है। रोहित शर्मा ने कहा कि तुमको मिल सकता है हमसे बेहतर, हमको मिल सकता है तुमसे बेहतर, लेकिन तुम और हम दो अगर मिल जाएं तो कुछ और नहीं हो सकता इससे बेहतर। वहीं संचालन कर रहे हास्य कवि दिनेश बावरा ने अपनी रचनाओं से सभी को गुदगुदाया। कवि सम्मेलन क्या है, मैं चार पंक्तियां पढ़ता हूँ, जो लोग भी सतीश बाबू हैं, सारे लोग हैं हमें सुन रहे हैं, मिश्रा जी हैं, मीता जी हैं, मीना जी हैं, आदि आशीष मुक्ता जी हैं, नाम ले लगी ताली जरूर बजेगी। हाँ सुनिएगा, चार पंक्तियों से महफिल में गर्माहट भरने की कोशिश दिनेश बाबा कर रहा है और देखता हूँ कि आप कैसे ताजा होते हैं। कि दूध को दूध जरा जमान करिएगा महफिल को, दूध को दूध, पानी को पानी कह दूं, मेघ की गर्जना दरिया की रवानी कह दूं, कैश ने लैला को जो भेजी थी निशानी कह दूं, सूर के पद नीरा की बाणी कह दूं, अगर यूं ही चुप रहे तो कुछ कह ना पाऊंगा, जरा सा साथ दो तो दुनिया की कहानी। बस एक छोटा सा निवेदन, लोकप्रिय अधिकारी हमारे बीच है, उनकी तारीफ में हूँ सर। हम कभी लोग हैं सर, बड़े लोग हैं, अब तक इनका सम्मान नहीं हुआ इसलिए बड़े ही होंगे। आदरणीय, जैसा बताया गया, देखिए मैं तो राजस्थान का हूँ, मारवाड़ी हूँ, आदरणीय महेंद्र भैया, आदरणीय चतु भैया हमारे गांव के, मैं तो आपको बताऊं, देखिए सारी दुनिया जानती है हम लोग कैसे होते हैं, बताने की जरूरत नहीं है आपको। एक लाइन है, आनंद आएगा आपकी तालियां मिले। तो मेरी कॉलेज स्टूडेंट के साथ घूमने गया था, अच्छा घूमने के इससे चला गया क्योंकि मुंबई में रहता हूँ, मैं सुकून अपना खोना नहीं चाहती, मैं सुकून अपना खोना नहीं चाहती, अपना दामन भिगोना नहीं चाहती, इसलिए प्यार को मैंने ना कह दिया, इसलिए प्यार को मैंने ना कह दिया, मुस्कुरा बहुत अच्छा सुन रहे, बहुत अच्छा SSC साहब, आदमी जितने अधिकारी बैठे मैं सारे लोगों का नाम, सैनिक सर जिन्होंने बहुत अच्छा कोऑर्डिनेट किया, डिप्टी कमिश्नर साहब बहुत अच्छा संपर्क सूत्र बनाकर रखा, मैं दिया और चटूरिया जो मंच पर हैं, बधाई देता हूँ, गुरुनाथ बाबा अयोध्या से हैं, बस दो ही लोग अयोध्या में फेमस हैं, राम जी। बस मैं एक शेर सुनाता हूँ पद्मिनी पर, जो अपने जो भी बाप जो भी माँ बेटी होगी जिसके पास,
उसकी पीड़ा शायर ने शेर मिलाई है। क्या बात है, लार की गर्म संजीदा होना इकरार की धरती है, लार की गर्म सलाखे निकालती है मां, बेशर्म टांगी निकालती है मां। ये दो पंक्ति आज याद शायर के नींद में खलल पैदा कर दे आपकी तालियां जो उसने दर्द लिखा है। लार की गर्म सलाखे निकालती है मां, बेशर्म टांगे निकालती है मां, घर लौट के आती है जब जमा बेटी, जिस्म से सैकड़ों आंखें निकालती है मां। ये दर्द है काका, एक बेटी एक मित्र ने एक सखा ने कविता पढ़ी, आपने जो आदर दिया मैं नतमस्तक होता हूँ इस गोरखपुर के महोत्सव में, इस धरती पर आप बड़े लोग हैं, वो सम्मान जो बेटियों को मिलना चाहिए उसके लिए मानी महाराज जी भी प्रयास कर रहे हैं, प्रशासन भी प्रयास कर रहा है। बेटी बेटी होती है साहब, मेरे घर की तितली होती है, उसके पंख नोचे जाते हैं तो ससुर साहब को गुस्सा आना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, सीख मिलनी चाहिए, क्योंकि बेटी सुरक्षित रहेगी तो बेटी सुरक्षित रहेगा। श्याम पिया को रंगे चुनरिया, ऐसी रंग दे कि रंग नहीं छूटे आवा, भैया भय चाहे सारी मरिया, ये रंग जब कहीं कहीं ये रंग बहुत मन के साथ जब फिर भी पर्दे पर आया तो सुनील सामने गाया कि रंग और नूर की बारात से पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात से पेश करूं, ये रंग शायर की कलम से उतरा तो उसने लिखा इस रंग रंग में रंग है, तुझे रंग रंग में रंग दिया, मेरा रंग आया है रंग पर तेरा रंग चढ़ के उतर गया, और ये रंग जब 18 साल के नौजवान के सर चढ़ करके बोला तो गली गली में भगत सिंह ने गाया मेरा रंग बसंती चोला आया। क्या तुमने नहीं सुना होगा भाई से पहले पुत्र तुम्हें मर जाना था, लक्ष्मण तुम क्यों गए राम को जाना था, लक्ष्मण वन क्यों गए राम को जाना था। भगवान ने पूछा लक्ष्मण न गए तो होता क्या, जवाब देखिएगा उस पागल से व्यक्ति का जो गलियों में घूम रहा है, ये कि थे राम बहुत प्रिय दशरथ के, दशरथ की मृत्यु होती है, थे राम बहुत प्रिय दशरथ के तो तुम प्रतिबिंब थे भैया के, वाह वाह, तो कोट भवन में मृत्यु पूर्व निकट ही होते शैया के, तुम निकट ही होते शैया के, थे थे पुत्र विरह में व्याकुल, थे पुत्र विरह में व्याकुल, तुम आलिंगन में कस लेते, थे पुत्र विरह में व्याकुल, तुम आलिंगन में कस लेते। भैया ने जो सुनाया अद्भुत सुना है, तालियां बजाइए, मैं जानता हूँ ठंड बढ़ रही है, मैं बहुत जल्दी से खत्म करूंगा, आप जैसे बड़े अधिकारी बैठे हुए हैं, गोरनाथ बाबा बैठे हुए हैं, बड़े हरी जी बैठे हुए हैं, गोरखपुर के बड़े अच्छे आदमी हैं, चंदू भैया बैठे हुए हैं, अब ठीक है हम बैठे हुए हैं, अब हमारी बारी है सर, हम सुनाएंगे, अब और महान कमी सर देख लो जिनको जिनको मैंने बुक किया वो ताली बजा रहे हैं, लेकिन सही बता रहे आप लोग ताली नहीं मत बजाइएगा, कहाँ बजाइएगा, इतना ठंडी पड़ रही है, जैसे बहुत अच्छा, मतलब सही बताएं सर, कोरोना ने जो नुकसान किया है भगवान का सब बताए, देखिए महिलाएं कितनी महान होती हैं, जीवन भर पोथी पढ़ पढ़ पंडित बने हम, और ब्याह होते हो गई पंडित आई, बकरी बने हम वो पिलाई, सही बता रहे हमारे बिना डिग्री की महिला पंडिताई हो जाती है, ये हमारे गोरखपुर साहब, लेकिन साहब क्या मास्टर थे हमारे जमाने, मतलब कान पकड़ते थे और मुखोड़ते थे, हमारे जमाने सर जी नेटवर्क इश्यू नहीं था,
एक ही थप्पड़ में नेटवर्क पकड़ लेते थे। जो जब का बात सर याद आता है हमको, हम तो सर विभाग की बात बताए, आप विकास अधिकारी हैं, हमारे नगर पंचायत में एक मजदूर गड्ढा खोद रहा, दूसरा उसमें मट्टी डाल रहा, एक खोद रहा दूसरा मट्टी डाल रहा, तो हमने पूछा क्या कर रहे भाई, बोले सर काम कर रहे हैं, सरकारी आदमी है। मैंने ये काम होता गड्ढा खोदना और मिट्टी डालना, बोले साहब देखो हम सरकारी आदमी है, इस काम में तीन आदमी की ड्यूटी लगी थी, एक का काम था गड्ढा खोदना, दूसरे का काम था पेड़ लगाना, तीसरे का काम था मिट्टी डालना, वो बीच वाले ने छुट्टी ले ली साहब, हम अपना काम कर रहे हैं, ये करने बताइए साहब, वेतन मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए सर, काम में बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है आप लोगों से, हम गोरखपुर के हम घमंडी आदमी है, हमें गर्व है कि हम गोरखपुर के, हंसिएगा गुदगुदाइएगा, गोरखपुर के पवित्र धरती से टिप्पणी करता हूँ, दुनिया में ऐसी कोई क्रीम नहीं बनी कि आप उदास हो और अपने चेहरे पे लगा ले तो आप खूबसूरत लगने लगे, ईश्वर ने मुस्कुराहट बनाई है, चेहरा कैसा भी हो सिर्फ मुस्कुरा दीजिए, दुनिया के सबसे खूबसूरत आदमी आप होंगे, ये मैं दावे से समझ से कहता हूँ, वो क्रीम हम बांटते हैं। कोरोना ने वो भी छीन लिया, कौनो क्रीम लगा लिया मास्क, अब साहब हंस रहे हैं क्रोधित का पत्र, लेकिन कबीर के मजार की हवा भी आती है और मंदिर के फूल की खुशबू भी आती है, ले गए तो हमको बोले इंटरव्यू देना पड़ेगा, हम कर ले गोरखपुर के का इंटरव्यू डायरेक्ट सिलेक्शन, बोले नहीं इंटरव्यू देना पड़ेगा, तो इंटरव्यू लेने वाले पूछा गोरखपुर के, तो छोटा सवाल पूछेंगे बड़ा नहीं पूछेंगे, हमने कहा पूछिए, बोले अंग्रेजी आती है, हमने कहा साहब आती, बोले कितनी आती है, मैंने कहा जितना आप, बोले काम करो जो लड़की है उसको अंग्रेजी में इधर बुलाओ, हमने कहा तुम मैंने केजी में सीख लिया था, हमने उसको बोला बेबी कम नहीं है, एसएससी साहब आ गए, लेकिन वो भी देवरिया का था जो इंटरव्यू ले रहा था, उसने बोला इसको वापस भेजो, ये वाली हमको नहीं आती थी, तो सीडीओ साहब हम खुद वहां गए, सही बता रहे, और बोले मेरी कम नहीं है, एक अंग्रेजी से जो दो काम कर ले वो गोरखपुर का हो सकता है, ऐसा सही बताते हैं हम लोग, अंग्रेज हमारा क्या बिगाड़ लेंगे यार, एक बार फतवा किया था उनके बस काम तमाम हो जाएगा, एक अंग्रेज आया एसएसपी साहब मतलब चर्चा तुम्हारा हिंदुस्तान, तो हम हिंदी के विद्यार्थी, हमने कहा जो हमारे हिंदुस्तान के बारे में जानना चाहते हो सुनो, जिसका मुकुट हम दीवार विंध्यवल हिमालय है, जिसके दीवार में गंगा जमुना जैसी नदियों की धार है, जिसके कटिक प्रदेशों में कृष्णा कावेरी नर्मदा ताप्ती नदियों की बड़ी मालाएं हैं, जिसके चरणों को हिंद महासागर अपने अति लहरों के अनगिनत खतरों से बचाने कब से पकार रहा है, वो मेरा देश भारत है, आप समझ रहे हो, समझ नहीं आया, उसने बड़ा ठोस तरीके समझा, हमने कहा समझो, हम तुलसी पौधा लगा था तुलसी माता का, हमने कहा हमारी माता है, बोले तुम्हारे यहाँ पेड़ पौधे माता हो, तुमने कहा बिल्कुल, उसने उखाड़ करके पत्ते पत्ते अलग कर लिया, बोले ये तुम्हारे माता, अब हमारे अंदर का गोरखपुर जगह, सर हम तो एक खुजली के पेड़ के पास ले गए, हमने कहा पिताजी से मिलो, हाल खान बदाम में तुम मजाक नहीं कर रहे हैं, पिताजी ने ऐसा कार्यक्रम दिखाया, उसके बाद से सारे अंग्रेज लाल पैदा होने लगे, पहले काले पैदा हुआ करते थे, हमसे भी जाएंगे लोग, सही बता रहे हैं, अब वो
देनी हो, गोरखपुर वालों सुनो, ये नुकसान हम नहीं देख जा सकते, हम गोरखनाथ बाबा भक्त हैं, किसी अंग्रेज को तकलीफ नहीं, कुछ मत करो, घर बुलाओ, कुर्ता पिजामा पहनाओ, पिजामे के नाड़े को तीन गाड़ ज्यादा लगाओ, फिर उसको ठंडा पानी पिलाओ, फिर चीज एसी में बिठाओ, 25 मिनट बाद जो आपातकालीन परिस्थिति निर्मित होगी, अध्याय समाप्त हुआ। ये अंग्रेजों ने जो सही बता रहे हैं हम, लेकिन भारतीय पहनावा अद्भुत है, एक अंग्रेज हमसे टकरा गया, सभ्यता और संस्कृति को लेकर विवादों पर आ गया, उसने कहा हमारा वेशन कल्चर अच्छा है, इसीलिए हम लोग अपना रहे हैं, पूरी तरह से विस्मयित होते जा रहे हैं। हमने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, हम अपनी सभ्यता संस्कृति इसलिए खो रहे हैं क्योंकि हम परिश्रम छोट सुविधा हो रहे हैं। अरे विश्वास नहीं होता तो आ, मैं तेरा टी शर्ट जींस 2 मिनट में पहन के दिखाता हूँ, तू मेरे देश की धोती को घंटे में पहन के दिखाता। हम पहना भी तो नहीं जाने वाले, इतने बड़े बड़े लोग मुझे सुन रहे हैं, मेरा सौभाग्य है, अंतिम पंक्तियां और मेरा साथ, मैं अगले कभी को आमंत्रित करूंगा, कहीं ईश्वर के चलते हमारे रिश्तों में करवाहट नहीं आ रही है। राहुल तुम्हें मुझे धक्का क्या है, तुम्हें मुझे क्या क्या है, मैं चाहता हूँ गोरखपुर वालों ईश्वर न हो, ऐसे उपाय सुझाओ, कुछ नहीं खूब पसीना बहाओ, मेहनत की नहीं मेहनत कर दिखाओ, वो सेठ जी इतनी सी बात लोगों के समझ में नहीं आती है, जब हम फ्री की शुगर ज्यादा खाना शुरू कर देते हैं तो बाद में शुगर फ्री खाने की नौबत आती है। राहुल तुमने मुझे धैला दिया, तुमने मुझे हिला दिया, मैं चाहता हूं कविता का सुखद अंत और मेरी विदाई, मैं चाहता हूं कि शुगर हो मगर खून में नहीं, मुस्कान में रहे, तेरी मेरी जबान में रहे, गले में रहे गीत के लिए, सुर में रहे संगीत के लिए, ये शुगर पाप हो के रिश्तों में हो, खुदा करे रिश्तों में हो, जिससे हमारी दुआ कबूल हो जाए, ये शुगर हिंदुस्तान पाकिस्तान चाइना की मूल हो जाए, ये नजर भी तीखी हो जहां की, ये शुगर पहचान हो हिंदुस्तान की, हे ईश्वर अब हमें बस एक आशीर्वाद चाहिए, हे गोरखनाथ बाबा अब हमें बस एक आशीर्वाद चाहिए, इस गोरखपुर में, इस उत्तर प्रदेश में, इस भारत में, इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में मधुमेह नहीं मधुमास चाहिए साहब, जिसका नारा मुझे आपको अच्छा लगा हो, कृपया तालियां बजा करके बताइए कि मैंने आपके दिल तक पहुंचा।